अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त सॉस बनाने की रेसिपी। हम टमाटो सॉस और हरी मिर्च ग्रीन सॉस बनाएंगे, ये दोनों बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत लाजवाब बनेंगे। आप इस तरीके से बनाकर देखिए और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। आइए आपको दिखाते हैं हमने किस तरीके से बनाई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। आइए ग्रीन चटनी और लाल सॉस बनाने के लिए यह हमने टमाटर ले लिए हैं। हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं और यह आधा किलो हमने मोटी वाली मिर्चें ली हैं और यह हमने 8 से 10 तीखी मिर्चें ले ली हैं। आप इसमें से तीखा चाहे तो कम कर सकते हैं, वरना यह तीखा बिल्कुल सही रहेगा। और ये देखिए टमाटर एकदम फ्रेश होने चाहिए, चाहे थोड़े बहुत पीले भी हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ्रेश हों एकदम। आइए इनको कट कर लेते हैं। इन सब को हम कट कर लेंगे और ये हमारे जो टमाटर हैं, आइए कढ़ाई में डाल देंगे। अभी हमने गैस नहीं चलाया है। आपके टमाटर फ्रेश होने चाहिए, चाहे लाल पीले कैसे भी हों, और गैस चला देंगे और इनको अभी हाई फ्लेम पर रखेंगे और ढक देंगे और फिर धीमा गैस करके इन्हें हम 10 मिनट तक पकाते रहेंगे। आइए ये हरी मिर्च काट लेते हैं। ये देखिए हमने मिर्चें काट ली हैं और अब हम फ्राई पैन ले लेंगे और इसमें ये मिर्चें डाल देंगे सारी। ये देखिए टमाटर हमारे बॉईल होने लगे हैं और इसे दूसरे गैस पर रख देंगे। कोई पानी नहीं डालेंगे, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे ढक देंगे। इन्हें धीमी गैस पे उबालना है हमें, गैस को तेज नहीं करना। आइए इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे और ढक देंगे इसे। आइए ये देखिए आलू टमाटर हमारे पक रहे हैं, एक बार इनको चला देंगे बीच में, इन्हें 5 मिनट और पकाएंगे। ढक देंगे, इसको भी देखते हैं। आइए इसको ढक देते हैं और गैस बंद कर देंगे। देखिए हमने 10 मिनट में ऐसे ही छोड़ दिया था और ये अपने भाप में ही पक चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। आइए मिर्च पीस लेंगे मिक्सी में डालकर। देखिए हमने सारी हरी मिर्च पीस ली है, पहले आधी पीसी फिर इसी में हमने और डाल दी, सारी पीस ली है। अब इसमें हम ये सिरका डाल देंगे, ये हमारे घर का चाय पीने का जो कप होता है उससे नाप के हमने सिरका लिया है। आइए इसको पीस लेंगे। ये देखिए ये हमने पीस ली है, ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बन गया है इसका। और अब इसे हम छान लेंगे। इसे एक साइड रखेंगे और ये देखिए इसे एक साइड रख देंगे और हम अपने टमाटरों को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारे अब ठंडे हो चुके हैं और इनको पीस लेंगे हम मिक्सी में डालकर। इन्हें हमने 10 मिनट ही पकाया था और इन्हें गैस बंद करके अलग रख दिया था, अभी ठंडे हो चुके हैं, इन्हें भी पीस लेंगे। आइए हमने पीस लिए हैं टमाटर और इसे भी छान लेंगे। अभी हमने आधे ही पीसे हैं। ये देखिए हमने सारे टमाटर पीस के छान लिए हैं। आइए पहले रेड सॉस बना लेते हैं फिर ग्रीन सॉस बनाएंगे। इसमें ये हम डाल देंगे सिरका, ये भी हमारा एक कप है जो घर पे होता है चाय का कप, और इसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे फूड कलर।
बस इतना डालेंगे एक चुटकी, और ये एक चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आइए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल जरा सा, और इसे मिला लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिलाएंगे, कोई लम्स ना रहे इसमें, बीच में ही डाल देंगे हम, और इसको चलाते रहेंगे। ये हमने 200 ग्राम चीनी ली है, ये डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, काला नमक है एक चौथाई चम्मच, ये डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच काली मिर्चे हैं ये डालेंगे, और इसको मिला लेंगे, और इसमें ये हम लाल मिर्चे डालेंगे एक चौथाई चम्मच, थोड़ा सा सफेद नमक भी डालेंगे, ये भी एक चौथाई चम्मच। नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार भी रख सकते हैं। इसको पकाएंगे अभी हम, थोड़ा सा और इसको पकाएंगे जिससे ये खराब ना हो। ये देखिए ये गाढ़ा हो चुका है अच्छे से, हमने इसे 10 मिनट पकाया है, और गैस बंद कर देंगे अब हम। देखिए इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, अगर ये देखिए हमारा अगर बह जाएगा तो ये हमारा भी तैयार नहीं हुआ, अब ये बह नहीं रहा, तो ये हमारी सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ग्रीन सॉस डाल देंगे अब इसमें, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे इसमें, और इसे घोल लेंगे, एक चम्मच ही डालना है हमें, इसे चलाते रहेंगे। में हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी, इसका खट्टा बैलेंस करने के लिए, और 1 चम्मच नमक, और इसमें 1 चुटकी डालेंगे फूड कलर, ये ग्रीन हो जाए बिल्कुल, थोड़ा पचाएंगे, अगर कम लगेगा फिर डाल देंगे। आइए 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे, 2 अब डालिए 2 पहले डाली थी। आइए ये पक चुकी है, हमने इसे 6 से 7 मिनट पकाया है, और गैस बंद कर देंगे। आइए इसको भी डालकर देखेंगे प्लेट में, इसको भी डाल कर देख लेते हैं। देखिए अगर ये बह जाएगी तो हमारी सॉस सही नहीं बनी, ये बिल्कुल ठीक बनी है। ये देखिए हमारी बहुत ही लाजवाब, बहुत बेहतरीन सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, यानी टमाटर सॉस और हरी मिर्च की सॉस दोनों ही तैयार है, और ये बहुत टेस्टी बनी है, बहुत लाजवाब बनी है। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।